अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं जी। तो अभी हम गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे और हमारा प्लान बना के हम राकापोशी व्यू पॉइंट को एंजॉय करें। ये सामने आपको राकापोशी व्यू पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये व्यू पॉइंट नहीं बल्कि हम इसके काफी करीब आ चुके हैं। अभी हम और भी जा रहे हैं, हमारा इरादा है कि हम ग्लेशियर तक जाएं, जहां पर ग्लेशियर है, माशाल्लाह कुदरत एंजॉय करें। वो नीचे से ये यहां नीचे से हम ऊपर आए हैं। ये सारा गांव है, गांव से रास्ता तय करते हुए हम ऊपर आए हैं। यहां पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन हमने अल्लाह पाक के कुदरत को एंजॉय करने के लिए और शान देखने के लिए हम ऊपर आए हैं। हमने ये डिसीजन लिया है कि हम ये सारा नज़ारा इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं आगे, जैसे भी आपको और भी नजर आएंगे खूबसूरत मनाजर तो हम आपको जरूर इसके बारे में इत्तला करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टोटल एरिया, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये अभी आगे आपको राकापोशी व्यू पॉइंट, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पे आकर इंसान को पता लगता है कि अल्लाह पाक की शान कितनी अजीम है। ये देखें, है ना, कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी तो अभी हम पहुंच चुके हैं राकापोशी व्यू पॉइंट में। मेरे सामने जो नज़ारा है मैं आपको बता नहीं सकता कि आंख वो चीज है कि जो सी ये कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता। ये अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें सुभान अल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कैसे पहाड़ों की चादर ओढ़े हुए ये राकापोशी अपने लपेट में बैठा हुआ, ये देखें सुभान अल्लाह। और ये भाई नवाज भाई हैं जो हमारे साथ आए हैं। नवाज भाई कैसा कुदरती नजारा आपको लगा? कहते हैं वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा, बिल्कुल वही खुदा है, वही खुदा। ये हमारे साथी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये शाहिद भाई हैं, ये शाहिद भाई सस्ती व्लॉगिंग करने के चक्कर में हैं, लेकिन इन भाई से हो नहीं रही। और शाहिद भाई क्या कहना चाहेंगे राकापोशी के बारे में? मैं कह रहा ये जो यार ये वो शख्स है लोगों को घर से निकलने की इजाजत मिलती है, आप लोग मुझे भूल रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, मैं ना हूँ तो इनको घर से कोई निकलने ना दे। ये माशाल्लाह ये हमारे कासिम भाई है। कासिम भाई आप कैसा नजारा है? कासिम भाई के बाल माशाल्लाह चेक करें, बंदरी लग रही है। आप बताए निसार भाई कैसा नजारा है? माशाल्लाह ना ब्यूटीफुल, मजा आ गया पूरा, पैसे अभी यहाँ पे पूरे हो गए, हमने आगे जाना है, लेवल हो गया, लेवल लेवल लेवल। चलो अब हम दुनिया के सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम। जी तो अभी हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि कुदरती तौर पर खुद ही बनना है, यानी कि वो इंसान ने मतलब कि कोई किसी तरह नहीं उसको बनाया गया, वो कुदरती तौर पर उसकी जो सी ईजाद हुई है। अभी हम उसी ट्रैक पे हैं, ये भी राकापोशी वाला ही ट्रैक है जो सर राकापोशी से होकर जाता है, लेकिन ये पहले आ जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल हम इंशाल्लाह तय करेंगे। ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब हमने ठानी हुई है तो फिर हम जरूर करेंगे। ये 4x4 पे हम आए हैं, ये देखें ये भाई के साथ आए हैं। अभी इनको हम 7-8 करोड़ की गाड़ी हम लोग और में लेके घूमते हैं, मम्मी डैडी बच्चे वो यहाँ पे लेके आए, उनको पता चले कि 4x4 होती क्या। ये भी हमारे साथ तस्वीर उतरवा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा 8,800 फुट ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि नेचुरली तौर पे खुद ही बनाया गया, किसी ने इसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया। जी बिल्कुल कोई शक नहीं। और हम वहां जा रहे हैं जहां जाने की कम ही लोग कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आपको मजीद ब्लॉग में सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, अभी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ट्रैक तय करते हैं, हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे। तो अभी हम ट्रैक तय करते हैं ताकि उस व्यू तक पहुंच चुके हैं जिसकी हम नियत कर घर से निकले हैं। ये ग्राउंड की बकायदा पिच बनाई गई है ताकि पता लगे कि वाकई ही ग्राउंड है। और अभी हम ये देख लें माशाल्लाह, पीछे मेरे राकापोशी आपको नजर आ रहा हो, सुभान अल्लाह। ये देखे पहाड़ों के दरमियान में घिरा हुआ है ये स्टेडियम, कोई यहाँ पर नहीं होगा। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें, हाँ आप तो सर भाई तुसी तो सर साडे नाल आए, चलो देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ वो चुंगी पे ही है। ये देखे माशाल्लाह, ये देख राकापोशी गांव भी लाया, खूबसूरत नजारा है, खूबसूरत नजारा। अभी डॉक्टर साहब पता करने गए हैं यहाँ नीचे, उन्होंने कॉल वगैरह किया अपने किसी कोलीग को कि अगर बैट बॉल का अरेंज हो सकता तो काइंडली बैट बॉल अरेंज करवा दें, हमारा इरादा है कि खेल लें। डॉक्टर साहब की बारी आ गई है, ए बाउंड्रियां दे, यो बाउंड्रियां दे, ये डॉक्टर साहब की बारी आ गई है। डॉक्टर साहब बड़े ही जुनून में आते हुए, बहुत सी चेक कर ले डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर साहब नहीं बख्शेंगे इनको।
फील्डिंग को। ये दोनों बॉलर में मशवरा हो रहा है कौन बॉल करवाएगा। शाहद भाई अपनी शर्ट उतारते हुए कि मैं डॉक्टर साहब को उड़ा देना। आज देखिए किस बॉलर की शामत आई है। जी आप कितनी बॉल खेलते हैं आप हमारे डॉक्टर साहब, ये चेक करें फिर। ये शाहद भाई बॉलिंग करवाते हो, ये देखें ये चेक करें, चेक करें। ये बॉल चली, डॉक्टर साहब ने पहले ही बॉल पे जो है ना चौका मार दिया और भाग भाग के मेरी आत्मा खुश हो गया। ये दूसरी बॉल बीट होगी। ये मलिक साहब नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, चेक करें। सांस फूल चुका, मैं कह रहा हूँ फुल टाइम सांस फूल चुका है। दरअसल ये ऑक्सीजन का बहुत मसला है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। सर ये मुझे बारी दे के नमाज भाई बॉल करवा रहे हैं, वो खड़े हैं, ये गए हैं फंस। तीन बॉलें इन्होंने करवाई हैं, चार बॉल टूट भेज दी है, चार बॉलें करवाई और अभी भाई बॉल ढूंढ रहे, बॉल गई किधर है भाई। ऐसे ही होता हैवी प्लेयर आए हैं, मैं भी राइडर है, ये भाई बॉल ढूंढने गया है। सांस बहुत फूल गया खेल खेल के। दरअसल ऑक्सीजन लेवल कम है ना, ऑक्सीजन लेवल अगर ज्यादा हो तो फिर ऐसा मसला नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पर। चले मैं आपको खेल के मिलता हूँ। ये हमारे तीसरा प्लेयर आ चुका है, ये देखें, ये शाहिद अफरीदी साहब अपने आपको कह रहे हैं डॉक्टर साहब बॉलिंग करा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बॉलिंग करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप डॉक्टर साहब बॉलिंग करा रहे हैं, ये देखें, ये डॉक्टर साहब की बॉल आई है और ये शाहिद अफरीदी साहब। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो बॉल फेंक दिया है मेरी साइड की, लेकिन जाएंगे मलिक साहब लेने, ये देखे ये देखें, ये बॉलिंग लो सर, ये लास्ट बैट्समैन जा रहा है बगैर बैट के, बैट उधर ही पड़ा हुआ है और ये को मैंने आउट किया है। अच्छा उनकी किलियां उड़ाई हैं। अच्छा ठीक है, और जोन से भाई ये व्लॉग में रिकॉर्ड है, ये व्लॉग में रिकॉर्ड है कि आपको कैसे कैसे छक्के पड़े हैं, ये आप ऐसे ऊपर उतरी ना लाए। बैटर अच्छा नहीं हूं मैं, बॉलर अच्छा। हाँ जी देखिए बॉल टीम होती जा रही है, स्कोर वन ओवर मैच है, सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है कासम का, हमारी बाजी का। ठीक हो गया, अब देखते हैं निसार भाई उनका रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि नहीं। ठीक हो गया, क्योंकि हम उधर तक नहीं पहुंच सके, ये सब देखने के लिए आप थोड़ी देर वेट करें। ये निसार भाई बैटिंग शुरू करने लगे हैं, बॉलिंग करवा रहे हैं डॉक्टर साहब और अभी हम स्टार्ट होने लगे। आप इधर से भी आ रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी भाई। और ये निसार भाई बैट्स बैठे, और ये पहली बॉल निसार भाई ने मिस कर दी है। अरे डॉक्टर साहब कह बॉल पकड़ते आते हुए, डॉक्टर साहब दूसरी बॉल करवा रहे हैं अभी डॉक्टर साहब। हम ये निसार भाई लगे हुए हैं, हल्की सी निसार भाई ने टच कर दी है, ये शाहिद भाई ने फील्डिंग की है। ये जी हमारे आज के यहाँ पे जो नगर नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ है, इसके जो आज के विनर हैं वो हमारे कासम भाई उर्फ बाजी हैं। उनका आठ स्कोर का, एक ओवर में आठ स्कोर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका, लिहाजा आज के ये विनर है। तो अच्छी बॉलिंग का भी बता दे, और ये बेस्ट बॉलिंग का जो अवार्ड है वो किसी को भी नहीं गया। मैंने एक आउट किया ना इसको, मैंने तीन आउट किया, इतनी अच्छी मैंने बॉली थी, दो बैट्समैन गिर गए मेरी बॉलिंग की वजह, डर की वजह से। हां जी सही बात, ये कह रहे हैं एक को ये हमारे। चलो सर दो चार तस्वीरें हम खींच लें, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। अभी हमने ये यहाँ से खेल लिया अपना सारा एंजॉय एंजॉय कर लिया। मेरे सारे भाई बात सुन ले डॉक्टर साहब, ये हमने ग्राउंड में खेलते हुए तो उनको रिव्यू दे दिया। अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर टॉप पे जाके हम इस ग्राउंड का पूरा एक व्यू दिखाएं आवाम को, ताकि उनका माइंड बने, और मेरी कोशिश है हम शाम से पहले यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि रात के टाइम यहाँ पे परी आके जब वो क्रिकेट खेलते खेल लेंगे। डॉक्टर साहब क्या हुआ आप, अल्लाह करे मेरे पे कोई परी आशिक हो जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, जैसा जैसा ताड़ा मुंह है ना, चुंगी कोई खुशरा खुशरा लो, मजा आया। नहीं सर अभी हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं, अभी हमारा सीन ऐसा है कि अभी हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे फरमा रहे हैं कि ऊपर इधर से जो सा ना पूरा स्टेडियम का व्यू नहीं सही आ रहा, तो अभी हम आपको ऊपर लेकर जाते हैं ताकि आपको ऊपर से स्टेडियम का व्यू दिखा सके। अभी एक लास्ट टाइम एक लास्ट कैप्चर किया हुआ सीन राका पोशी का मुलाजा फरमा लें, फिर हम चलते हैं।
आपको ट्रैक नजर आ रहा है, इसी ट्रैक से हम आए हैं और इसी ट्रैक से हम वापस जाना पड़ेगा। ये देखे कैसे वो रास्ता चढ़ते हुए जा रहे हैं, किसी किस्म का रास्ता नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये जो टूरिस्ट मुकाम होते हैं ना, ऐसे मुकामों को जो छुपे होते हैं, कम से कम इनको कोई रास्ता दें ताकि जो सा टूरिस्ट आसानी से आ सके। ये देखें, अब ये पत्थर है और इस पत्थर से मैंने गुजर के जाना है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें ये कितना खतरनाक किस्म का रास्ता है। ये देखें, वो ऊपर जा रहे हैं हम, और ऐसा ही ट्रैक है सारा, टोटल ट्रैक आपको ऐसा ही मिलेगा राकापोशी आने के लिए। ये राकापोशी है, अभी हम चलते हैं, पहुंच के आपको मैं मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ से मोबाइल आदमी पकड़ जाना बहुत मुश्किल है।